नमस्कार साथियों, ईटीवी भारत राजस्थान के फेसबुक लाइव कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम माफी चाहेंगे कि हम आपसे थोड़ा 15 मिनट देरी से बात कर रहे हैं। बजरी के मुद्दे पर हम पिछले 3 दिनों से बात पर बहस उठाए हुए हैं कि बजरी के मुद्दे को राजस्थान सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया है। यह आलोचना नहीं है, लाखों लोग परेशान हैं। करीब 5 लाख लोग जो श्रमिक हैं, इस धंधे से जुड़े हुए हैं, वो सड़क पर आ गए हैं। और ये आज की बात नहीं है, 2 महीने हो चुके हैं इस बात को। और 2 महीने से राजस्थान में बजरी के बिना निर्माण कार्य बिल्कुल ठप हो चुका है। कोई धंधा उठा लीजिए, कोई सरकारी योजना उठा लीजिए, आप हैंडपंप लगाने तक की बात उठा लीजिए। अगर आपको हैंडपंप लगाना है तो उसमें भी उसका चौतरा बनाने के लिए आपको बजरी चाहिए। स्वास्थ्य विभाग की कोई योजना हो, आपका टॉयलेट बनाने वाली कोई योजना हो सरकार की, या सस्ते घर बनाने वाली मुख्यमंत्री आवास योजना हो या प्रधानमंत्री आवास योजना हो, सारी की सारी योजनाएं ठप हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सपना है सस्ते घर देने का, वो भी राजस्थान में पिछले 2 महीने से ठप है और अगले 1.5 महीने में ही उसमें भी कोई सुधार होता नहीं दिख रहा है। बजरी का मुद्दा इतना गर्म, इतना मतलब तूल पकड़ गया, इतना बड़ा मुद्दा है कि राजस्थान सरकार का इस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा, ध्यान जा रहा है। और बहुत गंभीर बात है ये। कल अशोक गहलोत जो पूर्व मुख्यमंत्री है, उन्होंने ट्विटर पर अपनी तरफ से बयानबाजी तो करी, लेकिन वो औपचारिकता दिखी। कांग्रेस भी इस बारे में, इस मुद्दे पर बिल्कुल भी सक्रिय नहीं है। वो उपचुनाव में बिजी दिखाई दे रही है, लेकिन जनता का जो मुद्दा है, ये लोगों के घर नहीं बन रहे हैं, लोगों ने ब्याज पे पैसा ले रखा है बैंकों से, जो प्रोजेक्ट डेवलपर हैं, बिल्डर्स हैं, उन्होंने भी प्रोजेक्ट पे फाइनेंस करा रखे हैं, ब्याज पे पैसा चल रहा है, ब्याज भी देना पड़ रहा है, काम भी नहीं हो पा रहा है, सब लोग बर्बादी के शिखर पर जा रहे हैं। मतलब कि हालत यह है कि आत्महत्या करने तक की स्थिति बन गई है, लेकिन सरकार के काम पर बिल्कुल जू नहीं रेंग रही है। इस मुद्दे पर अगले 5 से 7 मिनट और 10 मिनट के लिए हम बात करेंगे। हमारे साथ है दिनेश जी। दिनेश जी, ये जो मामला सामने आया है, और आज ही कल जो प्रेस वार्ता की है क्रेडाई के अधिकारियों ने, पदाधिकारियों ने बताया कि कितने लाख करोड़ के प्रोजेक्ट अटके हुए हैं, वो थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए कि कितने प्रोजेक्ट, कितने हजार करोड़ के अटके हुए हैं। जी घनेन्द्र जी, देखिए ऐसे 500 से ज्यादा प्रोजेक्ट हैं जो बिल्कुल अटक गए हैं, मतलब उनमें पैसा फंस गया है, निवेशकों का पैसा फंस गया। क्रेडाई ने इस पूरे मामले में आवाज उठाई है और सरकार से गुहार लगाई है कि सरकार सुन लो हमारी पुकार। मतलब 500 प्रोजेक्ट्स हैं, मतलब एक एक प्रोजेक्ट में सैकड़ों घर बनते हैं। जी आप ये मान के चलो कि 500 प्रोजेक्ट रुके हैं तो कितने लाख घरों का निर्माण कार्य प्राइवेट है, ये सरकारी नहीं है। निवेशकों के करीब 25,000 करोड़ रुपए बताया उन्होंने। जी बिल्कुल, क्रेडाई का ये दावा है कि 25,000 करोड़ रुपए के 500 से ज्यादा हाउसिंग प्रोजेक्ट एक तरीके से ठप हो गए हैं। अब जब तक उनको बजरी नहीं मिलेगी, जब तक वो प्रोजेक्ट कैसे आगे बढ़ेंगे? और अभी कोई ऐसा रास्ता निकल नहीं रहा कि बजरी आसान हो जाए, क्योंकि अगले 6 सप्ताह तक तो सुप्रीम कोर्ट की रोक बरकरार है। सरकार को विकल्प तलाशना था, सरकार बताए सरकार ने क्या विकल्प तलाशा है, क्योंकि देखिए उपचुनाव में भी बिजी है सरकार, तो होना ही चाहिए जल्द से जल्द विकल्प तलाशाया जाए, जैसे हाउसिंग प्रोजेक्ट भी बनने को तैयार हो। जो आम आदमी है राजस्थान का, 2 जून की रोटी का संकट आ गया, मजदूरों के सामने संकट आ गया है, कहां जाएगा आम आदमी? अभी आपने एक अच्छी बात कही है, अच्छी तो उसे नहीं कह सकते, मतलब लोग सुसाइड करने को मजबूर हो जाएंगे। मैं आपको बताऊं, जो ब्याज पे कर्जे पे पैसा लेके आ रहा आदमी, बजरी सप्लायर, कहां जाएंगे वो? बिल्कुल सुनेगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं दिनेश जी। ये बात हर आदमी ने, किसी की जेब में इतने पैसे नहीं है कि वो लाखों रुपए लेके जेब में लेके घूमता हो, सब ने बैंकों से, अपने दोस्तों यारों रिश्तेदारों से ब्याज पे पैसा लिया हुआ है, काम हो नहीं रहा। जिस काम के लिए पैसा लिया गया है वो काम पिछले 2 महीने से नहीं हो रहा है और 1.5 महीने और रुक जाएगा, तो आप ये मान के चलो कि कितनी भारी कर्जे के बोझ में आने वाली है जनता। आ तो चुकी है, श्रमिक जो दिहाड़ी मजदूर है, पहले 500 रुपए, 300 रुपए, 400 रुपए में उसको दिहाड़ी मिल जाती थी, वो आज 100 रुपए दिहाड़ी पर भी काम करने को तैयार है, लेकिन उसको काम नहीं मिल रहा है। हजारों की तादाद में रोज मजदूर राजस्थान के जो आम आदमी है वो पलायन कर रहा है गुजरात, मध्य प्रदेश, दिल्ली जैसे राज्यों की ओर, क्योंकि उसको काम करना है, काम चलाना है। उसके घर में ठंड की वजह से लोग बीमार भी हो रहे हैं, कर्जा कहां से ले, काम है नहीं, घर में बैठा है। किसी भी शहर के किसी भी चौराहे पे चले जाइए, आपको मजदूर थाली बैठे मिलेंगे आपको दिन भर। हालांकि इसके साथ साथ ब्लैक मार्केटिंग का भी काम हो रहा है, कुछ ब्लैकिए हैं जो माफिया हैं, अवैध खनन कर रहे हैं और वो सड़क किनारे ढेरी बना रहे हैं बजरी की, वो तो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को धत्ता बता ही रहे हैं, लेकिन ये इतनी बड़ी तादाद नहीं है कि जिसपे हम चर्चा करें। कुछ हद तक ब्लैक मार्केट का काम हो रहा है, 15,000 का जो ट्रक था वो करीब, बता रहे हैं क्रेडा के पदाधिकारी, 50,000, बिल्कुल 50,000। अभी मेरी बात हुई है क्रेडा के जो पदाधिकारी अध्यक्ष है अनुराग जी शर्मा जी, उनके साथ जो मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि 15,000 का जो ट्रक पहले आता था मिट्टी का, बजरी का, वो आज
आज की तारीख में 45,000 से 50,000 रुपए में मार्केट में मिल रहा है। तो ब्लैक मार्केटिंग एससी के इस प्रतिबंध की वजह से, अस्थाई प्रतिबंध की वजह से ब्लैक मार्केटियों की बन आई है, वो जमकर पैसे बना रहे हैं और जो बेचारा मजबूरी में आदमी फंसा हुआ है वो जैसे तैसे करके इतने बड़ी पैसे आम आदमी का मरण हो रहा है जी, बिल्कुल मरण हो रहा है। और इसमें जो बात सामने आई है वो ये आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो अवैध पट्टे खनन इनके दे रखे हैं राज्य सरकार ने खनन माफिया खनन के लोगों को बजरी के लिए, वो उनकी जो एनओसी है पर्यावरण विभाग से वो उनको चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को पूरा टाइम दिया कि ये जो एनओसी है पर्यावरण विभाग की वो आप हमें दिखाइए कि जो नदी में पेटे हैं वो किस तरह से उसमें बजरी आती है और साल दर साल ये कैसे बनी रहेगी। आप खनन करते हैं उसमें फिर से बजरी वापस आए और जब नदी बरसाती नाले चलते हैं, बरसाती नदी बहती है तो बजरी फिर से आ जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट केवल राज्य सरकार से ये चाह रहा था, ये रिपोर्ट मांग रहा था पिछले कई लंबे समय से कि ये बजरी अगर आप निकालते हो तो वापस नदी के पेटे में कैसे आती है। ये रिपोर्ट पर्यावरण विभाग को देने में सरकार ने लापरवाही बरती है और इसी लापरवाही का नतीजा आज प्रदेश की 7.5 करोड़ की जनता भुगत रही है। प्रदेश की जो जनता है ज्यादातर कृषि खेती के बाद सबसे ज्यादा रोजगार अगर प्रदेश की जनता को मिलता है तो निर्माण क्षेत्र से मिलता है, और निर्माण क्षेत्र ही अगर बंद है तो आप मान के चलो अगर बजरी बंद है तो आपका पत्थर बंद है, सीमेंट सरिया जो केबल लगती है वायरिंग बिजली की केबल लगती है वो बंद, टाइल्स लगती है बिल्डिंग्स में वो बंद, पेंट का काम होता है वो बंद, मतलब कौन सा काम है जो उससे जुड़ा हुआ नहीं है उद्योग धंधे का जो चल रहा हो, सारे के सारे चीजें बंद हैं, ठप हैं। और क्रेडाई के पदाधिकारियों ने अभी बताया है कि 500 प्रोजेक्ट बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं जो 25,000 करोड़ रुपए के हैं जो निजी क्षेत्र में हैं वो बिल्कुल बंद पड़े हुए हैं और सबने ब्याज पे ले रखा है। मतलब आप ये मान के चलिए मैं अगर आम आदमी है उसने कोई मकान बनाने की सोची है, कल ही हमारे जो दर्शक है उन्होंने भी प्रतिक्रिया दी कि भाई मेरा मकान अधूरा पड़ा हुआ है वो कब तक बनकर उसको बनकर तैयार होगा, बजरी पर रोक कब हटेगी, वो उसने हमसे जानना चाहे। हम भी अपने दर्शकों को क्या बताएं कि राज्य सरकार के रवैये के बारे में, डेढ़ हफ्ते का जो अभी डेढ़ महीने का जो समय दिया है राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने यही कहा है कि आप पर्यावरण विभाग से ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट मांगे और ये बताएं कि नदियों में जो आप बजरी निकालते हैं वो साल दर साल वापस बजरी कैसे आएगी, ये आप जानकारी लोगों को दें और हाँ सुप्रीम कोर्ट को बताएं। तो ये रिपोर्ट फिजिबिलिटी रिपोर्ट है पर्यावरण विभाग की, वो सरकार को देनी है ताकि पर्यावरण विभाग की इस रिपोर्ट के आधार पर वो सुप्रीम कोर्ट में ये बताए कि बजरी का जो खनन होता है, जो 84 रॉयल्टी दे रखी है, खनन क्षेत्र के लाइसेंस दे रखे हैं, वो जो खनन होता है वो साल दर साल जब बारिश होती है वापस से नदी के पेटे में आता है और इस तरह से ये बजरी का जो हम लेते हैं वापस से बजरी आ जाती है। ये रिपोर्ट उसको सुप्रीम कोर्ट में देनी है राज्य सरकार को। हम उम्मीद करते हैं कि राज्य सरकार इसको पूरा करेगी और जो राजस्थान की जनता इसको भुगत रही है, ये अकाल है, मैं कहता हूं ये साफ साफ अकाल है, बेरोजगारी का अकाल है, ये पानी का नहीं है, ये आदमी द्वारा तैयार किया गया, प्रशासन द्वारा, प्रशासन की लापरवाही द्वारा, राजस्थान सरकार के प्रशासन की लापरवाही और इसमें राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी, इसमें कांग्रेस को भी मैं उतना ही जिम्मेदार समझता हूं क्योंकि कांग्रेस ने एक भी बार इस मुद्दे को नहीं उठाया। 2 महीने हो गए हैं सरकार, जो प्रदेश की जनता है वो त्राहिमाम है, सड़क पे घूम रही है, कोई काम नहीं हो रहा, सब चुपचाप बैठे बैठे उम्मीद कर रहे हैं कि स्थितियां सुधरेंगी और बेचारे मजबूर होके 50,000 का ट्रक 15,000 रुपए का ट्रक 50,000 रुपए में लेने को विवश हो रहे हैं, कहीं 40,000 है, कहीं 45, कहीं 50,000, इतनी बुरी तरह से ब्लैक मार्केटिंग चल रही है। तो इतने बुरे हालात के बीच में बहुत राजस्थान सरकार को तुरंत, जो हमारे जो जानकार है उन्होंने भी कहा है कि एक सप्लीमेंट देना चाहिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कि पर्यावरण विभाग का रिपोर्ट तो पेश करे ही करे, साथ में वो सुप्रीम कोर्ट में एक सप्लीमेंट लिटिगेशन लगाए, सप्लीमेंट रिट लगाए और तत्काल उसकी सुनवाई हो, ये बताए कि नदी पेटे के जो पास में 400 या 500 मीटर के दूर जो बंजर जमीन होती है, जो प्राइवेट खेत होते हैं, निजी खेत है, उसको लाइसेंस जारी करने की राज्य सरकार की प्रक्रिया शुरू करे ताकि खनन का काम वहां से खेतों से भी हो सके और इस तरह से जो नदी का भाव क्षेत्र है पर्यावरण को जो क्षति ना हो। तो एक विकल्प भी बताया गया क्रेडा के अधिकारियों ने, हमसे जो बात हुई थी उन्होंने कहा कि नदी का जो पेटा होता है उससे करीब 400 से 500 मीटर दूर जाकर, जो उसका पर्यावरण का जो दायरा होता है, भाव क्षेत्र होता है नदी का, उससे दूर जाकर निजी काश्तकारों की जमीन पर खनन का अगर लाइसेंस दिया जाए
तो कुछ रियायत मिल सकती है अस्थायी रूप से, ये काम राज्य सरकार अपने स्तर पर शुरू कर सकती है इसको तुरंत प्रभाव से, और सुप्रीम कोर्ट में जो पर्यावरण विभाग को उनको अपनी रिपोर्ट देनी है उसकी भी वो जल्दी करके तैयारी करे, और डेढ़ हफ्ते के समय के बजाय जो सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को दिया है उसको वो थोड़ा जल्दी लेके आए। जी आप पहले भी उसका विकल्प तलाश कर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर सकते हैं, यही मैं बता रहा हूँ। हाँ, विकल्प हमारे पास है और ये लीजिए, लेकिन लगता नहीं कि राज्य सरकार इस मामले को बिल्कुल, क्योंकि देखिए अभी तो पूरी मशीनरी आपके उपचुनाव में लगी हुई है। उपचुनाव है, 16 जनवरी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बाड़मेर के पचपदरा में जो कार्यक्रम है रिफाइनरी के उद्घाटन का, शिलान्यास का, माफी, उद्घाटन का जो भी है, देखिए जी, लेकिन ये चीज भी अपनी जगह जरूरी है। तो लेकिन ये चीज भी तो जरूरी है, राजस्थान की लाखों की जनता का सवाल है, रोजगार का जो संकट आ गया, 25 लाख मजदूर सड़क पर आ गए। मतलब प्रधानमंत्री के जो उद्घाटन का कार्यक्रम है उसमें तो सारी सरकारी मशीनरी, सारे तामझाम, सारे सब कुछ लगे हुए हैं। आप एक प्रधानमंत्री देने का वादा करते हैं कि रोजगार देंगे राजस्थान के लोगों के लिए, ये विकल्प खोल देंगे, आप जो उद्योग है पहले उसको तो बचाइए, उसके मतलब तो 15 लाख लोगों को रोजगार देने का जो राजस्थान सरकार का चुनावी घोषणा पत्र में वायदा किया था उसका वसुंधरा सरकार ने साल भर पहले, करीब साल भर नहीं 2 महीने पहले उन्होंने कहा कि हमने 12 लाख लोगों को रोजगार दे दिया है। हालांकि कांग्रेस इस पे श्वेत पत्र मांग रही है, सब कह रही है कि हमें बिल्कुल साफ साफ बताइए 12 लाख लोग कौन है। कांग्रेस के मुताबिक केवल 1,89,000 लोगों को रोजगार दिया गया है आज की तारीख में। तो रोजगार का मुद्दा तो आप सरकार 15 लाख लोगों को रोजगार तो बाद में देती, लेकिन आज की तारीख में जो रोजगार में लगे हुए थे 5 लाख लोग, सीधे 5 लाख लोग लगे हुए थे, और उनसे जुड़े हुए करीब 20 लाख लोग जो उनके परिवार के सदस्य, एक परिवार में आप 5 लोगों को जोड़िए तो एक करीब 25 लाख आबादी इस पूरे निर्माण क्षेत्र से प्रभावित हुई है, और बुरी तरह प्रभावित हुई है मैं कहता हूँ। जी जी दिनेश जी क्या तो बता रहे हैं, देखिए ना जीविका का संकट आ गया, अगर यही रहा तो मैं कह रहा हूँ लोगों के भूखे मरने की नौबत आधी से ज्यादा तो आ गई और आ जाएगी, आ चुकी है। ऐसे में उनके परिवार परेशान है, उनकी महिलाएं बच्चे सब परेशान है, जो स्कूल की फीस नहीं दे पा रहे हैं, बिल्कुल स्कूल की फीस नहीं दे पा रहे, आपके जो स्वास्थ्य संबंधित दवाइयां आप वो नहीं ले पा रहे, मजदूर वर्ग जब बीमार होता बेचारा करेगा क्या, करेगा किस समस्या पर है। तो राजस्थान सरकार को चाहिए कि इस पूरे मामले को गंभीरता से ले और जो भी विकल्प है जल्द अपने जो विशेषज्ञ उनकी टीम को लगाए, मंथन करे, जो काम है उपचुनाव भी अपनी जगह है, प्रधानमंत्री का दौरा भी अपनी जगह है, लेकिन राजस्थान के जो मजदूर आम है, राजस्थान का जो उद्योग है, राजस्थान का जो आम आदमी है उसकी भावनाओं का, उसकी जरूरतों का, मजदूरों के साथ साथ जो आम आदमी है, मध्यम वर्गीय है, लोअर मिडिल क्लास है, निम्न मध्यम वर्गीय है, उसकी तो बिल्कुल हालत खराब है। लोगों ने आधा मकान बना दिया, आधा बिल्कुल अब ठप होने के कगार पे आ गया, काम बंद हो गया, काम बंद हो गया, मटेरियल है, उसने अगले ने ब्याज ले रखा है, बैंक से ब्याज ले रखा है, उसको भी उसको चुकाना है, खुद किराए के घर में रह रहा है, उसने सोचा था कि इतने समय में मेरा मकान बन जाएगा, मेरा दुकान बन जाएगी। लोगों की समस्याओं को समझना होगा, सरकार को समझना होगा, प्रशासन को समझना होगा, और जल्द नहीं समझना तो पड़ेगा, नहीं समझेंगे तो उनको नुकसान उठाना पड़ेगा, ये बात तय है, समझना पड़ेगा। और समझने का इलाज ये है कि सरकार तुरंत प्रभाव से वैकल्पिक तरीके अपनाए, नदी पेटे के बगल में, नदी के भाव क्षेत्र के बगल में 500 मीटर दूर में खनन के लाइसेंस जारी करे कुछ पर्टिकुलर जगह पर, और साथ में सुप्रीम कोर्ट ने जो डेढ़ महीने का जो समय दिया है उसमें रिट लगा के थोड़ा जिसको जल्दी लाएं, और पर्यावरण विभाग से फिजिबिलिटी रिपोर्ट फटाफट उनको पेश करें। तो बजरी के मुद्दे पर हम आपसे लगातार अपडेट देते रहेंगे, और सरकार को हम चाहेंगे कि इस पर तुरंत एक्शन ले, और कांग्रेस से भी चाहेंगे कि वह प्रतिपक्ष की जो भूमिका है उसको निभाए, चुपचाप केवल बयान जारी ना करे। नमस्कार।